तो दोस्तों आरजे रौनक अपनी खाट पर सो रहे थे और उनकी खाट पर एक खटमल मूत्र त्याग के लिए चढ़ जाता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये होती है कि जो खाट होती है वो हरियाणा के किसी गांव में बिछी होती है और यहाँ पर दवाइयाँ नहीं छिड़की जाती, यहाँ पर तो चप्पल मारी जाती है। बात करेंगे आरजे रौनक के द्वारा रिलीज एक वीडियो की JNU के ऊपर और छापा मारेंगे मसाज पार्लर बोलकर मूत्र पार्लर चलाने वाले एक इंसान के ऊपर। सारी बातें चौंकाने वाली होंगी, ये दावा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत हुई एक डॉक्टर वीडियो के द्वारा, जिसको बनाया गया मूत्र पार्लर चलाने वाली एक संस्था के द्वारा, जिसको हम इस वीडियो के अंत में प्रूव भी करके दिखाने वाले हैं। लेकिन ये कहानी आगे बढ़ी तब जब आरजे रौनक ने एक वीडियो निकाला JNU के ऊपर और उस वीडियो को फेक न्यूज कहकर एक वीडियो निकाल दिया मूत्र पार्लर चलाने वाली इस संस्था ने। रौनक ने अपना वीडियो निकाला था 20 तारीख को, 20 नवंबर को, और इस संस्था ने अपना वीडियो निकाला है 23 नवंबर को। अब उसके बाद आरजे रौनक ने अपने वीडियो के नीचे ये कमेंट कर दिया कि भाई मैंने इस वीडियो में कॉन्डम के बारे में कुछ कहा था, उसे मैं अपने वीडियो से हटा रहा हूं, और मूत्र पार्लर चलाने वाली संस्था ने ये पोस्ट कर डाली। कहने लगा कि मेरे वीडियो के बाद आरजे रौनक ने माफी मांगी, चाहे एक चीज पर ही मांगी, क्राइम मास्टर गोगो खुद को महापुरुष समझने लगा था, लेकिन असलियत कुछ और थी। रौनक का वीडियो रिलीज होने के बाद हमने रौनक से इस पर्टिकुलर कंटेंट यानी क्वांटम वाले पार्ट के बारे में बात की थी और उन्होंने एक हम्बल इंसान की तरह इस चीज को स्वीकार किया था और कहा था मैं इसको अपने वीडियो से हटा दूंगा। इस चैट का स्क्रीनशॉट है, इसको दुनिया में कहीं भी हम प्रूव कर सकते हैं। और इसके बाद आरजे रौनक ने इस पर्टिकुलर पार्ट को अपने वीडियो से क्लिप किया, लेकिन तब तक मूत्र मानव का वीडियो भी आ चुका था तो उन्होंने अपनी पोस्ट में उसको भी जगह दे दी। अगर बेटा ये तेरे डॉक्टर्ड वीडियोस की वजह से हो रहा होता, जिसको हम प्रूव करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, तो रौनक जी जो हैं अपने वीडियो में मल्टीपल कट्स लगाते, लेकिन मूत्र मानव को लगने लगा था मैं अंतर्यामी हूं, ज्ञानी हूं, अरे भाई साहब आपने भी बताया था, शक्तिमान बुद्धिमान हूं, बल्कि मैं तो पुरुष ही नहीं हूं। पर चलिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इन्हें इस अहंकार और भुलावे में जीने देते हैं। अब हम थोड़ी सी बड़ी बातें करते हैं। इस आदमी ने अपनी पोस्ट में क्लेम किया कि भाई हमारे वीडियो के ऊपर जो डिसलाइक आए और कमेंट्स आए वो ऑर्गेनिक थे, उसमें किसी IT सेल का हाथ नहीं था। बेसिकली ये क्लेम कर रहा था कि जनता इसके साथ खड़ी है और ये चे गुवेरा है, लेकिन असलियत कुछ और थी। इस आदमी की एक आदत है और उस आदत की वजह से ये पकड़ा गया। अपने द्वारा की गई एक और पोस्ट में इसने लोगों से रौनक को गेट वेल सून कहने को कहा उसके वीडियो के नीचे कमेंट्स में। जब आज तक चैनल ने इसके चैनल पर स्ट्राइक डाल दी तो आज तक को गेट वेल सून कहने को कहा और इंडिया टुडे के बारे में भी ऐसा ही कहा। इसके अलावा इसने लोगों से ABP न्यूज को, अंजना ओम कश्यप को, रोहित सरदाना को, गोदी मीडिया को और ये पता नहीं मोदिया क्या होता है भाई, इसको गेट वेल सून कहने को कहा। यानी कि इस मोदिया बिंद की ये आदत है कि अपने लोगों से दूसरे लोगों को गेट वेल सून होने के लिए कहता है। ये कभी कभी इस काम को करता रहता है और एक तरीके से इसका पैग है जो ये ही लगाता है। लेकिन जब इस व्यक्ति ने हमारे ऊपर वीडियो बनाया तो इसने किसी भी मीडियम पर, ना फेसबुक पर, ना ट्विटर पर, ना इंस्टाग्राम पर, ना यूट्यूब कम्युनिटी पर, कहीं पर भी अपने लोगों से हमको गेट वेल सून AKTK कहने के लिए नहीं कहा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास हजारों की संख्या में गेट वेल सून के कमेंट्स आए उस वीडियो पर जिसमें हमने बताया था कि इस बंदे ने हमारा वीडियो डॉक्टर किया है। अब भाई इतने सारे लोग एक साथ एक जैसा तो सोच सकते नहीं। फेसबुक ट्विटर पर तूने लोगों से कहा नहीं कि हमें गेट वेल सून कहें जो कि तेरी आदत है, तो ये हुआ कैसे? ओह, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हजारों की संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसमें लाखों की संख्या में आदमी, जिसका यूज करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की IT सेल, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार के मैसेजेस पेस्ट किए जाते हैं, हर पार्टी ऐसा करती है, जिसमें कहा जाता है ये ट्रेंड कराओ, इसमें इस प्रकार का कमेंट करो और 50-50 पैसे हर कमेंट के दिए जाते हैं। लेकिन भाई क्लेम कर रहा है कि मैं देश की जनता का नेता हूं, देश की जनता मेरे पीछे है, अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलोगे तो ऑर्गेनिक डिसलाइक आएंगे। धान के खेत में नागिन प्रजनन के लिए तैयार थी और उसने ऐसा अंडा दिया था। अगर आपको संक्षेप में बताऊं तो हमने एक वीडियो बनाया था और उसको इसने डॉक्टर्ड कर दिया था, लेकिन इसके डॉक्टर्ड वीडियो के बावजूद इसके देखने वालों ने उस ओरिजिनल वीडियो के नीचे कोई गेट वेल सून का कमेंट नहीं किया था, क्योंकि इसने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा करने को नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही हमने ये एक्सपोज किया कि इसने हमारे वीडियो को डॉक्टर किया है, अचानक से सेम मैसेजेस आने लग गए
क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज चला गया होगा ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। जून 2018 में एन ओपन लेटर नाम के चैनल ने ये खुलासा किया था कि ये व्यक्ति जो है अरविंद केजरीवाल के लिए पिक्चरें बना देता है, और दूसरी तरफ क्वेश्चन उठाया था कि ये आईटी सेल में काम करता है अरविंद केजरीवाल के। उस वीडियो के लाइक डिसलाइक रेशियो भी आप देख सकते हैं। और ये वो समय था जब इसके खुद के चैनल पर यानी पिंग ह्यूमन पर जो सब्सक्राइबर्स थे, जब यूट्यूब पर लोग ही नहीं थे तो लोग डिसलाइक करने कहाँ से आए, व्हाट्सएप ग्रुप से क्या? बड़ी बड़ी पार्टियों के व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले क्लेम करते हैं कि देश की जनता उनके साथ है। वैसे ये आदमी हमारे वीडियो के नीचे खुद को गेट वेल सून क्यों लिखवा रहा था हमें ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे बड़ा चोमो तो ये खुद है, क्योंकि इतना बड़ा हिंट दे दिया वो भी हमें। अब इसके बाद एक चैट होती है, जी हाँ एक चैट होती है एक आम आदमी की इस व्यक्ति के साथ इंस्टाग्राम पर। वहां पर वो आदमी इससे पूछता है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, ऐसे मास डिसलाइक क्यों करवा रहा है। ये फिर से वही क्लेम करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो देश की जनता कर रही है, वो मेरे साथ है। जबकि अभी हमने इसका उल्टा प्रूव करके दिखाया है। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि वामपंथ के चोगे में ये आदमी कैसे धूल झोंक रहा है। उस कॉमन आदमी से बात करते हुए इसने आगे कहा कि भैया मैं अकेला ही काम करता हूं और तुम्हें लगता होगा कि मैं लेफ्टिस्ट हूं, लेकिन मुझे मार्क्स का एम भी नहीं पता। भैया हमें फोर्ब्स के आर्टिकल की एक तस्वीर मिलती है, उसके अंदर ये बंदा बैठा हुआ है, सामने लैपटॉप खुला हुआ है, उसके अंदर मोदी पर कुछ एडिटिंग चल रही है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, साथ में ही कैमरा रखा हुआ है, यानी कि एक वर्क स्पेस लग रहा है। और मीडिया वाले जो होते हैं जो आर्टिकल छापते हैं उन्हें इस प्रकार की तस्वीरें चाहिए होती हैं। हमसे भी कहा गया था एक अखबार के द्वारा कि हम आपके वर्क स्पेस की तस्वीर लेना चाहते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर एक आर्टिकल छापा था लेकिन हमने मना कर दिया था। लेकिन भाई साहब तो भाई इंडिविजुअल हैं और इन्होंने अपना वर्क स्पेस दिखाया है ऐसा प्रतीत होता है, तो इनका इंडिविजुअल वर्कस्पेस हुआ ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जब आप इनके वर्कस्पेस को जूम करते हैं थोड़ा सा, तो इनकी दीवार पर मार्क्स की फोटो लगी हुई है, साइड में ही एक सिकल और हैमर की फोटो लगी हुई है जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का निशान होता है लाल रंग के साथ में, और ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्हें मार्क्स का एम भी नहीं पता। और ऐसे जनता की आंखों में धूल झोंकी जाती है, मैं मास लीडर हूं, जनता खुद से कमेंट कर रही है, डिसलाइक कर रही है, मुझे मार्क्स का एम भी नहीं पता। लेकिन बात यहीं पर थोड़ी खत्म हुई। भाई इसी चैट के अंदर कह रहा था कि भाई मैं सत्ता के खिलाफ वीडियो बनाता हूं, अभी बीजेपी के खिलाफ बना रहा हूं क्योंकि बीजेपी पावर में है, साथ ही थोड़े दिनों में मैं कांग्रेस के खिलाफ भी बनाने वाला हूं। लेकिन दूसरी तरफ के आदमी ने कह दिया कि भाई 5 साल हो गए, केजरीवाल के खिलाफ भी बना दो। भाई ने कर दिया साफ मना, कहा भाई केजरीवाल के खिलाफ तुम बना लो, मैं सपोर्ट कर दूंगा अगर मुझे पसंद आई तो। भाई पसंद आएगी नहीं, सपोर्ट होगा नहीं, ये तो केजरीवाल के लिए पिक्चरें बनाते हैं वो भी उनके फेवर में जाकर, तो सपोर्ट क्या करेंगे। जबकि हम अपने चैनल पर नरेंद्र मोदी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। भैया क्या होने वाला है ये भारत का न्यायतंत्र जानता है, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं और इतना चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और योगी और मोदी को खुद इस मुद्दे का संज्ञान लेना चाहिए, और अगर नहीं ले सकते तो ये 56 इंच की जो नौटंकी है उसको बंद कर देना चाहिए। और रौनक ने भी इस प्रकार की वीडियो बनाई है बीजेपी के अगेंस्ट, पर भाई ऐसे लोग अपने मास्टर को क्यों काटेंगे। लेकिन अंत में अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से इसने हमारे वीडियो को डॉक्टर करके हमारे खिलाफ यूज करने का प्रयास किया था और हमने असलियत में क्या कहा था, यह मैं आपको सबूत दिखाता हूं। इसने अपने डॉक्टर्ड वीडियो में क्लेम किया कि हम कह रहे हैं कि भाई जेएनयू के छात्रों की फीस बढ़ गई है तो वो ओपन से पढ़ लें, जबकि ये सरासर झूठ था। हमने अपने वीडियो में क्लेम किया था कि भाई तुम्हें क्लास अटेंड ही नहीं करनी है तो ओपन से पढ़ लो, क्योंकि जेएनयू के जो छात्र थे वो कंपल्सरी अटेंडेंस जैसी चीजों पर भी औरतों के कपड़े फाड़ रहे थे, तो भाई जब कॉलेज अटेंड ही नहीं करना तो ओपन से पढ़ लो, ऐसा हमने कहा था। सुनिए, ये कमबख्त बूढ़े बच्चे भैया ऐसे हैं, जब जेएनयू में अटेंडेंस कंपलसरी की जा रही थी तो इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, कंपलसरी काय कर रहे हो अटेंडेंस को, हमें अटेंडेंस नहीं चाहिए, हम अटेंड नहीं करेंगे क्लास को। अब भैया ये कह रहे हैं कि हमें पढ़ना है, अब बिना अटेंडेंस के कैसे पढ़ोगे, कमबख्त तो पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो। अब भैया इन भाई साहब को अगर अटेंडेंस नहीं चाहिए और पढ़ना भी है तो ओपन से पढ़ लो। दूसरी तरफ इसने अपने वीडियो में क्लेम किया कि हम कह रहे हैं कि भाई उत्तराखंड के आयुर्वेदिक कॉलेज और जेएनयू में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, और उन दोनों प्रोटेस्ट को सिमिलर प्रूव करने के लिए और हमको गलत प्रूव करने के लिए इसने क्या दिखाया कि भाई दोनों के दोनों प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस वालों ने मारपीट की है।
जबकि हमने अपने वीडियो में कहा था कि जेएनयू में और उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि जेएनयू में हिंसा हो रही है, उत्तराखंड की जो यूनिवर्सिटी है उसमें शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा है। अब दोस्तों ये देखते हैं कि आयुर्वेदिक कॉलेज और जेएनयू में जो प्रोटेस्ट हुए वो एक दूसरे से कितने डिफरेंट थे। तो जेएनयू में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सड़कों को जाम कर दिया गया, 10-12 घंटे तक दिल्ली की सड़कें पूरी जाम रही। वहीं दूसरी ओर देखते हैं आयुर्वेदिक कॉलेज के जो बच्चे थे उनका प्रोटेस्ट, एनडीटीवी की ही क्लिप है, हम कहीं और से लेकर नहीं आए। तो भैया एनडीटीवी की ये क्लिप दिखाती है कि आयुर्वेदिक कॉलेज के जो बच्चे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो सड़क के वाइट लाइन के भी दूसरी साइड चल रहे थे, जो ट्रैफिक था वो सामान्य तौर पर चल रहा था। साहब ये बताइए कि आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी बीएचयू में एक भी इंसिडेंट वैंडलिज्म का हुआ है क्या? वहां की दीवारों को कुछ इस तरीके से रंग दिया गया है, रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं दीवारों के साथ? भाई साहब इतनी वैंडलिज्म की गई है, इतनी पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद किया गया है। उसका अपना टीचर जो कि बीपी का मरीज था, जिसने एम्बुलेंस को बुलाया था ताकि एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल तक ले जाए, मगर जेएनयू के इन उपद्रवी बूढ़े बच्चों ने उनकी एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया, जाने का रास्ता नहीं दिया। और ये देखिए भैया अपनी ही टीचर को 10 घंटे से क्लास में बंद कर रखा है, ना जाने कब छोड़ा होगा, लेकिन इस बंदे ने ये सारी बातें डॉक्टर्ड कर दी। तो दोस्तों ऐसे डॉक्टर्ड वीडियो बनाकर नागिन धान के खेत में प्रजनन कर रही थी और उसके दिए गए अंडे बेहद खतरनाक थे, हमें लिंच करने की बातें की जा रही थी। आरजे रौनक का सिर्फ 1 साल का बेटा है, उसकी इंस्टा प्रोफाइल पर जाकर लोग उसको भी नहीं छोड़ रहे थे, उसको भी गालियां दी जा रही थी, और ये सब किया जा रहा था एक ऐसी आईटी सेल के द्वारा जिसका निर्देशन करता है एक आत्ममुग्ध बौना और जिसके दिशा निर्देश पर चलता है एक ऐसा चोमू जो अपने किए हुए गुनाहों के निशान कुछ ऐसे छोड़कर जाता है। और अंत में एक मैसेज, हम इस देश के एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जिसकी आबादी इस देश का सिर्फ 2% है, लेकिन वो 8-10% फौजी प्रोड्यूस करती है। हमें अपनी देशभक्ति के लिए जो है किसी वर्दी की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे खून में दौड़ रही है। आप ऐसे लोगों का साथ देकर अपने घरों से अफजल और मकबूल निकालिए, हम अपने घरों से मनोज पांडे निकालेंगे। अगर आपको नाम नहीं पता तो गूगल कर लेना। बाकी अब आप अपने गालीबाजों को कमेंट सेक्शन में अपने लिए गेट वेल सून लिखने के लिए बोल सकते हैं, उनको शायद बेहतर बहने मिल जाए ऐसा करने से। कमेंट सेक्शन हमारा खुला रहेगा, वो बेहतर बहने पाएंगे, लेकिन आपका जो जिहाद है वो व्यर्थ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर, एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई बटन में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगे। आप हमें सपोर्ट जरूर करिए, साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।